नमस्कार मित्रों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कॉलेज परीक्षाओं में छात्रों को प्रमोट करने को लेकर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के बारे में। 50-50 के फार्मूले से पास विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी का है इस वक्त का बहुत ही बड़ा बयान इस वक्त आ रहा है। साथ ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर विद्यार्थी के लिए राहत भरी खबर है और मिल सकते हैं इसके साथ ही तृतीय जो फाइनल के विद्यार्थी हैं उनको भी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। उसका संपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैनिक जागरण की बड़ी खबर देख सकते हो, 50-50 फार्मूले से उत्तीर्ण हो सकते हैं ईवीवी के विद्यार्थी। देखिए दोस्तों, भारत के सभी विश्वविद्यालयों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये केवल एक विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ है लेकिन दोस्तों ये सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रयागराज से बड़ी खबर, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेमेस्टर पाठ्यक्रम के छात्र छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। यूजीसी कमेटी ने 50-50 का फार्मूला सुझाया जिसके तहत विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। यह उन्हीं विश्वविद्यालयों के लिए है जहाँ कोरोना के चलते स्थिति सामान्य नहीं है। देखिए दोस्तों, जहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है, कोरोना का जो कहर ज्यादा बढ़ रहा है, वहाँ पर यह स्थिति लागू होगी। प्रयागराज में मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर ईवीवी विचार इस पर कर रहा है। इसके साथ ही देखिए, यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कमेटियां गठित की जिनमें अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में कहा कि सेमेस्टर पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों को आंतरिक और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पिछले सेमेस्टर और इंटरनल एग्जाम के आधार पर पास करने को लेकर यहाँ पे बड़ी बात की गई है जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की थी। इसके साथ ही द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं को 50% अंक आंतरिक आंकलन और 50% अंक पिछले प्रदर्शन के आधार पर दिए जा सकते हैं। यानी दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों के लिए ये बड़ी खबर है। इसके साथ ही प्रथम वर्ष के वार्षिक परीक्षा पैटर्न, देखिए प्रथम वर्ष के वार्षिक परीक्षा पैटर्न में 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर देकर उनको पास किया जा सकता है, यानी प्रमोट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देख लिए फैसले के बारे में क्या यहाँ पे राय दी है। जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने परीक्षा समिति की बैठक सोमवार को बुलाई गई, यानी आज बुलाई गई है, जिसमें सुझाव पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके बाद सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षा को लेकर निर्णय लिया जाएगा, यानी आज इस पर बड़ा फैसला हो जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे जहाँ पे भारत में जहाँ पर कोरोना की स्थिति बहुत ही खराब है और कोरोना की ज़्यादा मरीज है, वहाँ पर ये फार्मूला अपनाया जाएगा। जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है वो फार्मूला अपनाकर उन विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल मेरा यहाँ पे आपको सजेशन ये है कि आप अपनी पढ़ाई जारी जरूर रखिएगा जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। धन्यवाद।